हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर ओपन सीवी के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं ओपन सीवी के एप्लीकेशंस की। और इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अभी तक देखा ओपन सीवी का, और आज हम ये बात करते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले इन इमेज यूजिंग ओपन सीवी मॉड्यूल। ठीक है कि यदि मान लो आपके पास कोई इमेज है और अगर मैं उस इमेज को रीड करता हूँ, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दिस इमेज, राइट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम इमेज को डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ओपन सीवी के लिए CV2 को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक। एंड देन आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। तो हमने बात की थी, याद करो, देयर इज अ मेथड बाय विच यू कैन रीड एन इमेज, आई एम रीड मेथड। एंड दिस आई एम रीड मेथड रिक्वायर्ड द लोकेशन जहां से आपको इमेज रीड करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो आप देखिए, ये मेरी लोकेशन है जहां से हम इमेज को रीड करने की बात कर रहे हैं। दिस इज इन डी ड्राइव और ओपन सीवी नाम का फोल्डर, एंड देयर आर लॉट ऑफ इमेजेस आर देयर। तो यहां से हम कोई भी इमेज एक ले लेंगे, मान लो butterfly.jpg, ये एक इमेज है जिसको मुझे रीड करना है। तो यहां पर हमने लोकेशन बता दी, D drive /, ठीक है, D drive, ओपन सीवी एंड द नेम ऑफ इमेज। तो हमारी इमेज का नाम है butterfly.jpg। तो याद है आपको, मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि जब भी हम CV2 मॉड्यूल को यूज करते हैं, आई एम रीड मेथड, सो दिस कंप्लीट इमेज एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू एन अरे। ठीक है, ये IMG जो है, it is an array of ND array class object. See this one, मैंने आपको last time भी ये बात बताई थी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर मैं type of IMG देखता हूँ, so I'll get type is ND array. It is a NumPy जो हमने पढ़ा था, याद करो, right? तो ये जो IMG object है, it is actually an object of NumPy array, ND array, right? और यदि मैं इसको print करता हूँ, if I can print this, we will get all image in the form of this array. See this one. ये है आपकी image, जिसमें हर एक इमेज को सब लिस्ट में डिस्प्ले किया गया है। दिस इज अ सब लिस्ट ऑफ एवरी इमेज पार्ट, कि जिसमें कलर का पार्ट है, ओके, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, ये पूरा डेटा जो है ये आपका अरे के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इस इमेज को आपने रीड किया है पाइथन में, तो अगर मुझे इस इमेज को शो करना है, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दिस इमेज, तो देयर इज अ सिंपल मेथड कॉल्ड CV2, ठीक है, CV2.IMShow. This IMShow method will require two parameter. First one is the name of the window. कि आपको जो विंडो जिस पर इमेज डिस्प्ले होगी, इस विंडो का नाम क्या रखना है? तो मैंने बोल दिया, this is image window, suppose. ठीक है? And second one, object of the image class, जिसको अभी हमने read किया है. So that is what IMG. Right? लेकिन आप देखिए, यदि मैं इतने इस application को run करता हूँ, तो आप देखिए, हल्का सा, थोड़ा सा ध्यान देना, image आई and it automatically disappear. तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को होल्ड करके रखना है। यू नीड टू होल्ड दिस इमेज, राइट। तो हाउ टू होल्ड दिस इमेज, सो देयर इज अनदर मेथड इन CV2 मॉड्यूल कॉल्ड वेट की। दिस वेट की एक्चुअली रिक्वायर्ड डिले टाइम, कि आपको इमेज को कितनी देर के लिए डिले करके रखना है। अगर आपको इसको इनफाइनाइट रखना है, कि आप चाहते हैं कि जब तक आप ना क्लोज करें, तब तक आपकी इमेज होल्ड रहे, डिले रहे, राइट, सो जस्ट पास 0 ही है। तो आप देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, so this is what my image, ये मेरी इमेज आ गई। ठीक है, साइज अभी इमेज के हिसाब से आई है, लेकिन अगर मैं इमेज साइज चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ऐसी इमेज ली है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ओके, दिस Vivek1.jpg, राइट। तो यहाँ पर अगर मैंने इमेज ली है, सपोज Vivek1.jpg, राइट, एंड वेन आई रन दिस, तो दिस इज वॉट, जस्ट अ मोमेंट, इट इज नॉट JPG, आई थिंक इमेज का जो टाइप है, आई थिंक वो टाइप चेंज है, ओके, double JPG हो गया। तो जो भी इमेज की साइज होगी, उस साइज के हिसाब से आपका जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली रोटेट होगी। जब हमने बटरफ्लाई इमेज देखी, तो बटरफ्लाई के हिसाब से इमेज अलग रोटेट हुई है, बट व्हेन आई सी द अनदर इमेज, सो दैट ऑटोमेटिकली विंडो साइज चेंज हुई है। लेकिन अभी हम विंडो रिसाइज की भी बात करेंगे, डोंट वरी, राइट। लेकिन यहां पर अब आप देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं वापस से इसको बटरफ्लाई कर देता हूं, अभी इट इज द बटरफ्लाई इमेज, ठीक है। तो यदि मैं इस इमेज को देखता हूं, तो हम ये चाहते हैं कि व्हेन आई क्लोज दिस इमेज, तो ऑटोमेटिकली दिस इमेज विल डिस्ट्रॉय फ्रॉम द मेमोरी इटसेल्फ, राइट। सो यहां पर हमें वी नीड टू कॉल अनदर मेथड डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, मतलब इफ यू क्लोज दिस इमेज, देन यू वॉन्ट दैट कि ऑल द विंडोज मस्ट बी डिस्ट्रॉय, जो कि अगर प्रीवियसली ओपन है तो, राइट। सो आई जस्ट रन दिस, एंड व्हेन आई क्लोज दिस, इट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय ऑल द विंडोज, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने इमेज को रन किया, ओके, रन करने के बाद आपने इसको मिनिमाइज कर दिया, देन अगेन यू कैन रन दिस, सो दैट इट क्रिएट्स सम प्रॉब्लम। सो हम ये चाहते हैं कि व्हेन आई क्लोज दिस इमेज, सो दिस
एप्लीकेशन विल बी डिस्ट्रॉय, मतलब मुझे अपनी सारी प्रीवियस विंडो को डिस्ट्रॉय करना है, सो दैट आई कॉल दिस मेथड डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू टेक केयर अबाउट. डिस्प्ले द इमेज, सबसे पहले आपको वेट की में डिले टाइम बताना है. सी दिस वन, यदि मैं डिले टाइम को कर देता हूं 5000, ठीक है, या मैंने अगर लिख दिया मान लो 500, ओके, तो सी दिस वन, ये देखिए आप इमेज आई. एंड आफ्टर अ सेकंड, यदि मैं इसको, मतलब जितना आप देंगे दिस इज कंसीडर एज अ मिलीसेकंड, ओके, यदि मैं इसको 5000 देता हूं, इट मींस इट्स अ 5 सेकंड, तो आफ्टर 5 सेकंड दिस इमेज इज ऑटोमेटिकली डिसअपीयर. सो दिस इज, सी दिस वन, तो यहां पर आपको वेट की को बताना है टाइम. और यदि आप चाहते हैं कि अंटिल यू कैन नॉट क्लोज दिस इमेज, वो इमेज सामने डिस्प्ले होती रहे, तो जस्ट प्रेस 0, 0 मतलब इनफाइनाइट टाइम. इनफाइनाइट मतलब जब तक अब आप क्लोज नहीं करेंगे, योर इमेज विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. तो दिस इज अ वेरी सिंपल 3 स्टेप. स्टेप 1 में आपको यूज करना है आई एम शो मेथड. दिस आई एम शो मेथड इज यूज टू डिस्प्ले द इमेज, ठीक, इन ओपन सीवी एप्लीकेशन. कि जब भी आपको इमेज बना रहे, आप इमेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, यू वॉन्ट टू एक्चुअली शो दिस इमेज इन योर एप्लीकेशन, सो जस्ट विल गो दिस आई एम शो मेथड, ठीक है. और यदि आपको लगता है कि आपको इमेज को तब तक होल्ड करके रखना है जब तक आप उस इमेज को क्लोज ना करें, सो विल गो फॉर वेट की मेथड एंड देन डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज. की यदि आपकी कोई इमेज विंडो ओपन है, यू वॉन्ट दैट की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस इमेज, ऑल द विंडोज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय, सो जस्ट वी कॉल दिस मेथड डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज. सो दिस इज हाउ वी कैन ओपन द इमेज इन सीवी टू, सॉरी इन ओपन सीवी. कि अगर आपको किसी इमेज को डिस्प्ले करना है, सो हाउ वी कैन डिस्प्ले इमेजेस इन ओपन सीवी, सिंपल सी स्टेप्स है. और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि आपके पाइचाम में सजेशंस नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो जितनी भी आपकी ओपन सीवी के मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल में मेथड हैं, लाइक आई एम रीड, आई एम राइट, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा वेट की, तो यदि ये सजेशंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपने पाइचाम को किस तरीके से सेट करना है सजेशंस के लिए, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. सो दैट ये बहुत हेल्प करेगा आपको अगर आपके पाइचाम में सजेशंस विंडो आ जाएंगे. आपको मेथड्स की प्रॉपर्टीज, मतलब मेथड के सिंटेक्स से याद नहीं रखना पड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज यू हैव टू राइट ऑल दिस मेथड विथ प्रॉपर सिंटेक्स, कि आपको कब कैपिटल लिखना है, क्योंकि दिस फॉलोज एक्चुअली नेमिंग कन्वेंशन. तो बेटर है कि अगर हम सजेशंस ले लेंगे, तो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस मेथड. मान लो मैंने सिंपली शो कर लिया आई एम शो, सो दिस इज द हेल्प जो कि हमें पाइचाम प्रोवाइड करता है. बट फॉर दैट यू नीड टू चेंज सम सेटिंग्स, तो वो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं. तो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिस्प्ले इमेजेस इन ओपन सीवी. और ये बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है. मैंने डे 1 पे आपको बोला था कि जितने भी फेस डिटेक्शन एप्लीकेशन से, जितने भी इमेजेस की एप्लीकेशन से, इमेज रोटेशन की एप्लीकेशन से, दैट ऑल वी कैन ईजिली डिजाइन यूजिंग ओपन सीवी. तो बने रहिए, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं. एक्चुअली पहली स्टेप में मैं आपको वो सारी मेथड बता रहा हूँ जो कि हमें ओपन सीवी में यूज करना है आगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है. तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, ठीक है. और यदि समझ में आया है तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस ओपन सीवी के कोर्स में. और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.